एतानाहन्तु मिच्छामि केन तोड़पि मधुसूदन अपि त्रैलोक राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। इसका हिंदी में अनुवाद कुछ ऐसा होता है, हे मधुसूदन मैं अगर मर भी जाऊं तो भी या इस तीन लोक का मुझे सुख मिल जाए तो भी मैं इन सबको मानने के लिए राजी नहीं हूँ, तो फिर इस पृथ्वी के लिए तो आपका कहना है क्या है। यहाँ पे अर्जुन ऐसा बता रहे हैं कि ये लोग मुझे मार दिए या फिर मुझे इनको मार के तीनों लोग का भी राजपाट या सुख मिल जाए तो भी मैं इन लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है। तो यहाँ पे इस लोग श्यामल को लाइफ लेसन में सीखना है। यहाँ पे देख रहे हैं अर्जुन को एक आसक्ति दिख रही है, जैसे हम कहते हैं ना जो भी होगा ये चीज में नहीं छोड़ूगा। तो आपको कभी कोई रिलेशनशिप में होते है तो आप भी इसके कारण अपने करियर को बर्बाद करते हो, क्योंकि आपको आसक्ति रहती है उसमें। आप भी ऐसा सोचते हो कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, मर जाऊंगा या इस चीज के बिना मुझको नहीं चलेगा। ये सब एक लाइफ के कंफर्ट जोन रहते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको सारी आसक्ति छोड़नी है। जैसे छोटा बच्चा रहता है तो उसको अपनी माँ के प्रति आसक्ति रहती है, उसको नहीं देखता तो कई बार ऐसा होता है तो घबरा जाता है, रोने लग जाता है। जैसे आप बड़े बड़े हो जाते हैं तो आपकी आसक्ति का जो केंद्र रहता है, जो पॉइंट रहता है, वो बदलता है। आप में आसक्ति तो रहती है, बड़े तो छोटे से जवान हो गए तो आसक्ति लड़की में आएगी, फिर थोड़े बड़े हो गए तो पैसों में आएगी, फिर जब आप वृद्ध हो गए तो आपको आसक्ति अपनी शरीर पे आएगी, अपनी आत्मा पे आएगी, अपनी जान पे आएगी। लेकिन जीवन में इस सब आसक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति के कारण आप जो वास्तविक कर्म है, आपका जो कर्तव्य कर्म है, वो आप नहीं कर पाते। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर आप किसी लड़की के प्यार में हैं तो वो दूसरे कॉलेज में पढ़ रही है, तो आप उसके लिए उसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे आप अपना करियर या अपना मनपसंद कोर्स है उसको सुनते नहीं हैं और अपना फ्यूचर अपना भविष्य को बर्बाद कर रहे हो बस एक रिलेशनशिप के लिए या अपने लव के लिए। रियल लव तो वो होता है जिससे आपको फ्रीडम मिले, आपको स्वतंत्रता मिले। जो भी जिससे आपकी आसक्ति होती है वो हकीकत में आपका एक बंधन हो गया, आपका कैद हो गया। चीज भी चीज में आपको फ्रीडम ना मिले तो उस चीज को कुछ कुछ छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो चीज आपके लिए कुछ मायने रखती नहीं है। जो आपसे आपकी फ्रीडम को छीन ले तो वो चीज ही क्या आपके काम की होगी, जो आपके आपसे अपनी फ्रीडम को छीन ले। क्योंकि सबसे महंगी जीवन में कोई चीज है तो वो फ्रीडम है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को